हम लोग इस विश्वविद्यालय से निकालते हुए इसे दफनाया जाएगा ताकि इस तरीके के शिक्षा मंत्री को एक सबक मिल सके, विश्वविद्यालय में ये आवाज बनकर निकली है छात्रों की कि इस तरीके का शिक्षा मंत्री जिसने घोटाले पे घोटाले हजारों छात्रों के भविष्य के साथ में धोखा किया है, हम इस धोखे की निंदा करते हैं और निंदा के साथ ही हमारी मांग है इन पेपरों की जांच कराई जाए, जांच के साथ में जो लोग इनमें संलिप्त हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन भर्तियों को रद्द किया जाए, क्योंकि पढ़ने वाले छात्र यहाँ पढ़ाई के लिए आते हैं लेकिन जिस तरीके से डोटासरा जी ने यहाँ पर सरेआम पेपरों को एक एक कर खरीदने बेचने का मामला किया है ये पूरी तरह से गलत है। हम लोग आज सांकेतिक रूप से ये चार लोग अर्थी को उठाएंगे, हम इनके पीछे पीछे चलेंगे, ये हमारा और साथ में ये हंडी भी रहेगी पूरी तरह से। हम लोग डोटासरा जी का ये सांकेतिक है और आने वाले समय में हम और बड़ा करेंगे, आने वाले समय में एक तिथि निर्धारित करने के साथ ही हमारे लिए एक बड़ा प्रोटेस्ट की योजना हम लोग बना रहे हैं जो पूरे प्रदेश में सभी जिला केंद्रों पर होने वाला है। भारत माता की जय। सत्य बोलो गत्ते।